हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा कॉर्नर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट कर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हूँ और बताती हूँ कि आप सब घर पे कैसे मलाई से मक्खन निकाल के घी बनाना, मैं आप सबको आज सिखाऊंगी कैसे बना सकते हैं आप भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप सबको मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए, मैं 1 वीक की मलाई निकाल के रखी हूँ और मैं इसी मलाई से आपको घी बनाना सिखाऊंगी कैसे बना सकते हैं और घी कैसा बनाए कि जो कि अगर आप 6 मंथ तक भी रख दें तो आपका घी में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आए, मतलब ऐसा नहीं लगे कि बहुत पुराना घी है, इस टाइप से नहीं होता है। जिस तरीके से मैं बनाऊंगी, अगर उस तरीके से आप बनाएंगे तो 6 मंथ या 1 ईयर में भी अगर आप खाएंगे तो आपका घी ताजा का ताजा ही रहेगा और वैसे ही खुशबू आएगी, जो हम घी को एकदम सोंधी सोंधी से खुशबू आती है उस तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ आपके सामने कि कैसे मैं घी बनाती हूँ और 6 मंथ 1 ईयर तक आप भी बना के आराम से रख सकते। दिखाते हैं इसको। मैंने मिक्सर चला दिया है तो बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट ही आपको मिक्सर को चलाना है। उसके बाद आप देखेंगे, देखिए कितने अच्छे से मक्खन आपको समझ में आने लगा होगा कि पूरा का पूरा यह मक्खन बन चुका है। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा या तो अगर ठंडा वाटर है आपके पास, फ्रिज में बॉटल रखते हैं तो उसको डाल दीजिए, नहीं तो मैंने तो यहाँ पर बर्फ़ डाला, मैं अक्सर बर्फ़ ही डालती हूँ क्योंकि बर्फ़ से क्या रहता है कि बहुत अच्छा मक्खन एकदम ऊपर आ जाता है। तो वही अगर मेरे पास आइस रहता है तो मैं आइस का ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए इतने अच्छे से आ गया है, जबकि मैंने इसमें वाटर नहीं डाला था। अभी देखिए मैं थोड़ा सा वाटर डालूँगी तो कैसे ऊपर ढेर सारा मक्खन आपको देखने को मिल रहा होगा, एकदम मस्त वाला बना हुआ है बहुत अच्छे से। आप जब भी मलाई को ग्राइंड करिए तो आप बर्फ़ ज़रूर डालिए, बर्फ़ डालने से बहुत अच्छा हो जाता है, तो इस तरीके से ऊपर आ जाता है। उसके बाद जो प्रोसेस रहता है, मलाई आप मक्खन तो निकाल लिए, उसके बाद का प्रोसेस बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप ये कर लिए तो आपका घी कितने भी दिन आप रखिए, 6 मंथ 1 ईयर में भी महक नहीं आएगी, इतनी तो गारंटी है मेरी। क्योंकि अगर ये अच्छे से 3 बार 4 बार पानी, जब तक वाइट पानी ना आने लगे तब तक आपको धुलना है। और ये नहीं है कि सिर्फ धुलना है, इसको अच्छे से मल मल के एकदम रगड़ रगड़ के धुलना है कि थोड़ी भी जो महक रहे ना वो भी निकल जाए। तो इस तरीके से आपको देखिए मैं कितना उसको मिला के धुल रही हूँ कि जो भी गंदगी हो, जो भी महक हो, अच्छे से घी से निकल जाए। इस तरीके से आप 3 बार 4 बार 5 बार जितने बार में आपका क्लीन अच्छे से हो जाए उतने बार आपको धुलने के बाद ही आपको गैस पे रखना है। तो देखिए गैस पे रख दिए हैं। अब ये जब भी आप जैसे नॉनस्टिक की कढ़ाई में रख रहे हैं या फिर सिल्वर की कढ़ाई में, जैसे भी आप रख रहे हो, तो आप स्टार्टिंग में जब ये अच्छे से घुल जाए तो आप 1-2 बार चलाइए, जितना आप चलाते रहेंगे जितने अच्छे से उतना अच्छा घी बनता है, महक नहीं आएगी। मेन हमारा घी बनाना तो सब बना लेते हैं, पर क्या रहता है कि 20 दिन महीने हुए कि वो अजीब सा महकने लगता है, तो वो चीज़ अगर आप इस तरीके से चलाते रहें तो फ्रेंड्स आपके घी में कभी भी महक नहीं आएगी और आपका घी भी एकदम जो है खुशबू देता रहेगा। तो ये चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान देना है कि इसको 2-3 बार आप 2-2 मिनट फ्रेंड्स इसको 2-3 बार चलाते रहिए, थोड़ी थोड़ी देर पे 2-3 मिनट पे आप इसको चलाते रहेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा भी घी आपका वाइट जो वेस्टेज है वो नहीं रहेगा, तो खुशबू बरकरार रहेगी और घी भी अच्छा बनेगा। तो ये देखिए हमारा घी बनना स्टार्ट हो गया है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ब्राउन ब्राउन सा होना स्टार्ट होगा। तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए क्या है
कि हमको एकदम धीमी आंच पे, जितनी हम धीमी आंच पे घी पकाएंगे उतना अच्छा बनेगा और उतने दिन तक चलेगा। ये नहीं है कि आपका 2-3 महीने हुआ तो महक आने लगे। तो घी तो बहुत लोग बनाते हैं, पर ज़्यादा दिन तक रख के आप अच्छे से यूज करो, वो घी में बनाने का आपको तरीका बता रही हूँ कि घी ऐसा रहे कि आप 6 मंथ के बाद भी खाइए तो खुशबू वाह वैसी ही सोंधी सोंधी खुशबू आए जैसे कि घर के बने घी का रहता है। ये देखिए हमारा घी तैयार हो गया है, मैंने गैस भी बंद कर दिया है, थोड़ी देर के लिए नीचे रखेंगे ठंडा होने के लिए। अच्छे से इसको चला दिए हैं, देखिए एकदम कहीं भी आपको वाइट नहीं दिख रहा होगा, देखिए कलर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एकदम इसी तरीके से फ्रेंड्स आप लोगों को भी करना है। उसके बाद फिर ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसको चाहे प्लास्टिक के बॉटल में रखें या फिर कांच की बॉटल में रखें, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से अगर आप घी बनाए हो तो किसी भी बॉटल में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका घी वैसा का वैसा ही रहेगा। आप चाहे 6 मंथ के बाद आप उसको खोलिए, चाहे 1 ईयर के बाद किसी को खाने को दीजिए। अगर आप कांच के बॉटल में रख रहे हो तो ये ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा घी ठंडा हो जाए, नहीं तो टूटने का डर रहता है। होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और देखिए कितनी अच्छे से घी बनके तैयार हो गया है। ये 1 वीक का ये मलाई था और अगर आप 20 डेज या फिर 25 डेज पे करेंगे तो काफ़ी यहाँ तक हो जाएगा। जिस हिसाब से आपकी मलाई रहेगी उस हिसाब से घी भी। अब इसको आप अच्छे से ढक्कन क्लोज करके एक कपड़ा या टिश्यू पेपर लगा के ढक्कन क्लोज करके रख देंगे तो आप इसको 6 मंथ तक भी रखेंगे तो इसमें खुशबू वैसी की वैसी ही बरकरार रहेगी। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।